एक बार थोड़ा सा फ्रेमिंग करें, हम चाहेंगे कि बार थोड़ा सा सबको दिखाएं। और यहाँ पर दिखाई एक लड़का अखिलेश का इस कदर दीवाने हैं कि सबके सीने पर अगर देखा जाए तो अखिलेश के टैटू बने हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी मोहब्बत अखिलेश यादव से क्यों। बिल्कुल थोड़ा सा साफ साफ सबको दिखाइए, सबको फ्रेम में कवर करिए और अच्छे तरीके से दिखाइए, क्योंकि सभी लोगों के सीने पर अखिलेश, ये बताता है टैटू कि ये लोग अखिलेश को बहुत दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी होती है, उसमें सिर्फ गुंडागर्दी होती है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, लाठी डंडों से लेकर सरकार चलाते हैं। जहां तक हमने देखा है कि आप लोग सभी लोगों के सीने पर अखिलेश का टैटू बना हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। वो लोग ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडा है, वो लोग ये ना बताते हैं कि समाजवादी पार्टी छात्रों को 18 लाख लैपटॉप बांटी है, वो लोग ये ना बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने बताया है, उस हमारे काम को नहीं बता सकते हैं। नेता श्री अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं, और वो लोग जो कहते हैं उसको जुमला बताते हैं। वो ये ना बताते हैं कि कान्हा स्टेडियम समाजवादियों ने दिया, वो सिर्फ ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे हैं, ये ना बताते हैं कि हमने 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, ये ना बताते हैं। और उन्हीं के साथ आप लोग भी ना बताते हैं। बताते तो हैं, राशन बताते हैं, बताते तो हैं, मंदिर बताते हैं, 370 बताते हैं, CAA बताते हैं, उज्ज्वला योजना बताते हैं, तमाम तो बता तो रहे हैं। उज्ज्वला योजना बता रहे हैं, उसका सिलेंडर 400 आता था वो 1200 में आ रहा है, आप लोग यही बता रहे हैं, 400 पार बता रहे हैं, ये ना बता रहे हैं कि जनता को क्या मिला। मैं तो आप लोगों को बताना भी चाहिए, क्यों नहीं बताएंगे पत्रकार साथी? आज जो जनता को प्रधानमंत्री बनाने वाली जनता 5 किलो राशन पे अड़की हुई है, और पत्रकार आप जैसे लोग, पत्रकार आपके पत्रकार साथी लोग हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, तो आप लोगों का विकास होगा तो बताएंगे ही। तरक्की कर रहा है अंजना ओमकर सब जी, हेलीकॉप्टर से उड़ के डिबेट करने ले रहे हैं, बाइट ले रही हैं, पूरा बाइट ले रही हैं। और जिसने प्रधानमंत्री बनाया, जिसने एक एक वोट दिया जनता, वो 5 किलो राशन पे है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, यही बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अडानी अंबानी का और पत्रकारों का विकास हो रहा है, नौजवान का पेपर लीक हो रहा है, मौ से महंगाई बोलने वाले मौ से मंगलसूत्र बोल रहे हैं, और आप लोग उसमें बाबाइक बने पड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पत्रकार ईमानदार भी हैं, आप ईमानदार हैं, आप मत घबराइए, आपको छोड़ के सभी लोग गोदी मीडिया हैं। क्या लगता है जब सवाल मीडिया करती है तो उन्हें क्यों इस तरह से आप लोग बोलते हैं? मीडिया सवाल जिस दिन करने लगेगी ना, चौथा स्तंभ जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना, पहले मीडिया से नेता डरते थे, आज नेताओं से मीडिया डर रही है। जिस दिन आप अपना जमीर जगा देंगे, खड़े हो जाएंगे, नेताओं के फॉर्चूनर रुकेंगे नहीं, भागो, पत्रकार दिख रहा है सवाल पूछेगा, 2 करोड़ कहाँ है, 15 लाख कहाँ है, जल्दी गाड़ी स्पीड बढ़ा दो ड्राइवर। लेकिन आप तो पत्रकार है, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो कोई दिक्कत ना है, चलो 500-1000 अपोजिशन। आपकी अपोजिशन पार्टी कहती है कि अगर इतनी बढ़िया समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो पिछले 10 सालों से ना राज्य में है ना कहीं। देखिए सबको मौका देना चाहिए, 15 लाख के झांसे में आकर के अखिलेश यादव को ये यूपी की जनता ने ठुकराया। यूपी की जनता को मिला क्या? जिसके घर में 2 नौजवान बेटा बेटी बैठे हैं, पढ़ लिख करके 2 सर्टिफिकेट रख करके, आज उसके मम्मी पापा से जाकर दर्द पूछिए, क्या मिला 10 बरस में? मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 2 बार सरकार ये बना लिए, लेकिन 2 बार सरकार बनाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के काम को और हमारे नेता को पछाड़ने का काम किए हैं तो बताइए। अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि शहर सब शांति शांति है। शांति शांति है, जब सिलेंडर खरीदा नहीं जाएगा तो घर में चुपचाप आत्महत्या करोगे, शांति से बैठे रहोगे, खाने बिना मरोगे, लड़ने की ताकत ना होगी। इसीलिए तो मेरे नेता चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र को बचा लो, संविधान को बचा लो, लोकतंत्र संविधान रहेगा तो आप हमसे सवाल कर लेंगे, हम जवाब दे लेंगे। कहां लगता है खतरे में ये संविधान? बिना पीढ़ी पिए धुआं नहीं उठता है, लगता क्या है? कई आकर के जिम्मेदार जो है कि जिम्मेदार लोग सरकार के आकर के बयान दे चुके हैं, 400 पार क्या, 273 पे भी सरकार बनती है, कोई जरूरी है 400 पार? 400 पार संविधान लोकतंत्र को बदलने का नारा लगाया जा रहा है, इसीलिए 400 पार उनको चाहिए। राशन और CAA के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 400 पार, कहां लग रहा है कि आप लोग हैं? माफ कर दे यार, नहीं होगा 400 पार, क्या 400 पार, 400 पार जनता कह रही है देश की कि माफ कर दे यार, नहीं बनेगा तीसरी बार मोदी सरकार। जनता को शिक्षा की बात करिए, महंगाई की बात करिए, रोजगार की बात करिए, किसान जब दिल्ली जाते हैं तो सामने किल गड़ा दिया जाते हैं। ओम जी, क्यों लगता है कि आपको समाजवादी पार्टी को इस बार लोग वोट करेंगे? अखिलेश हैं तो उम्मीद है, अखिलेश है तो नौकरी है, अखिलेश नौजवान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव, 8500 खटाखट 1 लाख मिलेगा। हमारा नेता भी चाहता तो 15 लाख दे रहे हैं, 30 लाख बोल देते, लेकिन नेता श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो वादा कर देते हैं उसको पूरा करते हैं। 1 लाख इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोग एक बार साइकिल का बटन दबाकर आजमा लीजिए, 15 लाख का तो आजमा लिया आप लोगों ने, 2 बार में ना मिला,
एक लाख आपको जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है अपने नेता श्री अखिलेश यादव पर कि एक लाख बोले हैं तो मिलेगा, किसान का लोन माफ होगा, 8,500 खटाखट आएगा। देखने में क्या जाता है, दो बार उनको देखे हैं, एक बार इधर भी देखिए। घोसी क्षेत्र से दो अपोजिशन पार्टी के मंत्री आते हैं, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इस बार सामने कोई है ही नहीं है, सब हवा में खत्म हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद से हैं, मैं जहूराबाद से हूँ, विधायक हैं, दो बार के विधायक हैं, जहूराबाद में दो काम पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी और मान्य दो मंत्री, दोनों मंत्री मिल करके वैसा कैंडिडेट लाए हैं घोसी में, घोसी की जनता इसीलिए नहीं साथ दे रही है, जो विधायकी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हार के आए हों, अपने समाज के समाज से ही लड़ के आए हैं, मंत्री वो भी रहे हैं शिवपुर से, क्यों लड़ाया आपने, वहाँ से चुनाव हारे हैं, बेटा विधायकी जीत नहीं पा रहा है और बाप कह रहे हैं कि संसदी बना देंगे। अरे जनता वोट दबा दो, छड़ी का बटन दबा दो। घोसी की जनता सम्मानित जनता पढ़ी लिखी है, जब उपचुनाव में इनके झांसे में ना आई तो मुख्य चुनाव में थोड़े आने वाली है। यहाँ की जनता को तो मैं सलाम करता हूँ, भगाने का काम करिए, कह दीजिए कि अरविंद राजभर जाइए विधायकी जीत के आइए तो संसदी में नंबर लगाइए। कहते हैं कि उस बार विधानसभा चुनाव जो चुनाव हुआ था उसमें बीएसपी नहीं थी, इसलिए उनको फायदा मिला। बीएसपी नहीं थी, हर दल हर पार्टी रहेगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ नहीं है। हारने के बाद ये कहेंगे कि हमको वोट नहीं दिए थे, गठबंधन को दिए थे, जहूराबाद की सम्मानित जनता ने, हम लोगों ने जिताने का काम किया। और बाद में बैठ करके बोल दिए घोसलपुर में कि आप लोग हमको वोट नहीं दिए थे, अखिलेश को वोट कर देख कर दिए थे, गठबंधन को वोट दिए थे। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए वोट नहीं दे रहा है कि चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद ये बोलेंगे कि आप हमको वोटें ना दिए थे, आप तो मोदी योगी जी को देखकर वोट दिए थे। इसलिए अगर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ घोसी में होता तो लड़ाई में मजा आता। आपने कहा कि बीजेपी के जो वोटर है इस बार उनके साथ नहीं है, नहीं क्यों लगता है? उपचुनाव में भी नहीं था, गिरगिटों के साथ, दलबदलू नेताओं के साथ जो पढ़ा लिखा है, चाहे वो किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, नेता हो, नहीं खड़ा होगा। जो माँ बहन तक की गाली सुन रखा हो उसी प्रत्याशी को निहराया गया इसी घुसी में, देखे ना उनके बेटे को। पढ़े लिखे तो भी हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और झुक जाइए, और झुक जाइए, जितना झुक जाइए। चुनाव से पहले नतीजे आ गए, अब नहीं कहते हैं कि राजा, कहते हैं कि हम राजा सुहलदेव के वंशज हैं। अगर वो राजा सुहलदेव के वंशज होते तो झुकने का काम ना करते, गलती से उनका बेटा था। अगर हमारे विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर होते, वो तो कह रहे थे कि अगर 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 जनता की भलाई में अगर हमें झुकना पड़े, मार खाना पड़े तो हमें मंजूर है। जनता की भलाई, अपने बेटे को सांसद विधायक बनाने के लिए, सदन में पहुंचने के लिए माँ बहन तक की गाली देना पड़े तो ओम प्रकाश राजभर जी मंच से देते हैं, तो ये तो झुकना कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? तो क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज इस बार साथ है? कोई उनके साथ ना है, कौन आप गाली सुन के वोट कौन देगा? और बाद में ये भी संपर्क है कि ये टिकेंगे कि ना टिकेंगे। अच्छा। यही तो कहते हैं कि मैं गिरगिट नेता, दो मुहा साफ होते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी कहते हैं। आखिरी सवाल, घोसी का माहौल क्या है? घोसी का माहौल बहुत शानदार है, राजीव राजी जीत कर सदन में जाएंगे। मैं गीत के माहौल, अरे जाई दिलिया ए भैया जाई दिलिया, फिर से घोसी से सैकिलिया, जीत के जाई दिलिया, यही माहौल है। अच्छा बिल्कुल।